हेलो फ्रेंड, सीमा डिज़ाइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक नए नेक डिज़ाइन की वीडियो लेकर आई हूँ, तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। यह हमारी कुर्ती है जिसका तीरा 13 इंच है और ये मैंने बुकरंग पर मार्किंग कर रखी है। तो देखिए ये 2.5 इंच पर निशान लगाया है, ये 1/2 इंच पर, ये 1/4 इंच पर और ये 1 इंच पर। इस साइड से मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है, फिर 1/2 इंच पर, फिर 1/4 इंच पर और फिर 1 इंच पर। ये मार्किंग मैंने पहले ही कर दी है ताकि वीडियो लंबी नहीं हो। अब इसे हम कटिंग करेंगे, तो देखिए ऐसे ध्यान से देखकर आप अच्छे से मार्किंग कर लें और फिर इसे कटिंग कर लें। तो देखिए ऐसे हमारे पास 3 नेक कट के रेडी हो गए हैं। ये सबसे बड़ा, ये बीच का और ये सबसे छोटा नेक है। सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले नेक को लेंगे और ऐसे फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। ऐसे फैब्रिक के साथ अटैच करने के बाद इसे हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे, इसके बीच में अच्छे से एडजस्ट करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके अलग कर देंगे। और अब इसके ऊपर कट के निशान लगा लेंगे। ऐसे छोटे छोटे कट्स के निशान लगाने से जब हम कपड़े को पलटते हैं तो उसमें सलवटें नहीं आती, और फिर इसे पलट कर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब मैंने ये एक और फैब्रिक लिया है जिसके एक साइड मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका रखा है। इसके ऊपर हम जो हमारा नेक नंबर 2 था, मिडल नेक, तो उसको हम लेंगे और मार्क कर लेंगे। अब मैंने ये काफ़ी सारी डोरियाँ बना रखी है, इनके हम 4-4 इंच के पीस बना लेंगे। तो देखिए सभी डोरियों के मैंने पीस बना लिए हैं, ये बिल्कुल इक्वल है 4-4 इंच के। तो देखिए एक पीस को हम सबसे पहले ऊपर इस टाइप से लगाएंगे। फिर इसके बाद हम ऐसे लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया है उसकी बाहर वाली साइड से हम सिलाई लगाएंगे ताकि जब इसको हम कुर्ती के साथ अटैच करें तो जो हमारी ये सिलाई है ये नेक के अंदर चली जाए और दिखाई नहीं दे। तो देखिए ऐसे हमने बिल्कुल इक्वल और डोरियों को यहाँ तक लगाना है। हमने सभी डोरियों को लगा दिया है, अब हम दूसरी साइड से अटैच करेंगे। तो देखिए इस साइड भी जो हमारा नेक की मार्किंग का निशान था वहीं पर हम डोरियों को लगाएंगे। सभी डोरियों को बराबर बराबर हमने ऐसे ही लगाते जाना है। यहाँ तक हम इस सिलाई को लगा देंगे। तो देखिए हमने सभी डोरियों को एंड तक लगा दिया है। ऐसे हमारे जो ये डोरी है ये बीच से लूज है, तो इससे हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। तो देखिए एक डोरी हमने ये इस टाइप से लगाई थी, इसके अंदर से हम दूसरी डोरी को ऐसे निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट डोरी को हम बीच से पकड़ेंगे और उसके अंदर से निकाल देंगे। हमने सभी डोरियों को ऐसे ही निकालना है जिससे एक अच्छी सी बेल सी बन के रेडी हो जाएगी और काफ़ी सुंदर सा पैटर्न बनेगा। देखिए हमने सभी डोरियों को ऐसे ही निकालना है। फ्रेंड्स आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो ऐसे सभी डोरियों से हमने ये पैटर्न रेडी कर लिया है। ऐसे रेडी करने के बाद लास्ट में इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि एक दूसरे के अंदर से निकले नहीं।
अब इसे हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए, कुर्ती के साथ अटैच करते समय हम सिलाई बिल्कुल किनारे के साथ साथ लगाएंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब जो ये अंदर का कपड़ा है, इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसमें जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, उससे लगभग 1 फुट की दूरी से हम इस कपड़े को कटिंग कर रहे हैं। जो हमारे नेक की शेप रहेगी, अब हम जो सबसे छोटा वाला नेक था उसको लेंगे और उसे फैब्रिक के साथ फ्यूज पेपर की हेल्प से ऐसे पेस्ट कर लेंगे। और दूसरा कपड़ा लेकर इसे ऐसे रेडी करेंगे जैसे हम अपने सिंपल नेक को रेडी करते हैं। तो देखिए, सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे और इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स के निशान लगाकर इसे पलट लेंगे। ऐसे पलट कर इसके ऊपर किनारी से सिलाई लगा लेंगे। यह बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम अपनी कुर्ती पर सिंपल नेक रेडी करते हैं, ठीक वैसे ही हमने इसको रेडी करना है। ऐसे रेडी करने के बाद इसे हम अपने पैटर्न के साथ रेडी करेंगे। देखिए, ये कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें रखेंगे और फिर इसे सिलाई लगाएंगे। यह सिलाई भी बिल्कुल हम किनारी के साथ साथ लगाएंगे। इससे हमारा एक अच्छा सा नेक बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे नेक डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हम इस चैनल पर ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको किसी विशेष टाइप की वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस टाइप की वीडियो भी बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये रहेगा हमारा नेक का फाइनल लुक। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।